उसकी 12वीं बोर्ड में फिजिक्स में एक नंबर है 100 में से और नीट में उसके 705 आते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बच्ची 1563 बच्चों में शामिल नहीं है। तो मेरा सवाल तो यह है कि वो बच्चे 1563 हैं कि 15063 हैं, क्योंकि जब एक नंबर जो बच्चा ला रहा है उसके नीट में 705 आ रहे हैं। अच्छा, गोधरा कांड हुआ 27 फरवरी 2002 में हुआ, उससे बड़ा कांड अभी हो गया। बच्चों ने ओएमआर शीट को खाली छोड़ा है और वहीं पर जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट है, जो प्रिंसिपल है, उनकी प्रेजेंस में ओएमआर को भरवाया गया है। मैं सच बता रहा हूं, जितने लोग गोधरा कांड में मरे होंगे उससे कई गुना ज्यादा ये ऐसे डॉक्टर्स मार देंगे, क्योंकि इनके दिमाग खाली है, चेक भी इन्होंने खाली दिए और ये लोगों की जेब खाली करेंगे, और सिर्फ जेब खाली नहीं करेंगे, शरीर भी खाली करेंगे, हो सकता है उनकी किडनीज भी निकाल दें। एक्चुअली में क्या होता है सर, पेपर लीक एक आइसबर्ग फिनोमेना फॉलो करता है। जैसे हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली में एचआईवी के जितने केसेस हैं उतने रिपोर्ट नहीं होते, डोमेस्टिक वायलेंस जितनी होती है उतनी रिपोर्ट नहीं होती, कोरोना के जितने केसेस आए थे उतने रिपोर्ट नहीं हुए थे, पेपर लीक में भी यही है। दो जगह बोला गया, गुजरात में और पटना में और एक झज्जर के सेंटर पर, कि पेपर में ये सब हुआ है। सच्चाई ये है सर, इससे 10 गुना ज्यादा लेवल पर पेपर लीक हुआ होगा, तभी तो आप देखिए 720 67 स्टूडेंट्स हैं, 656 से कम नंबर वाले को कॉलेज ही नहीं मिलेगा। तो ये अफसोस की बात है कि अब लाल बाल पाल के देश में सिर्फ दलाल बचे हैं, और जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, जिनको 3 साल हो गए 4 साल हो गए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, नीट का बच्चा जब परीक्षा की तैयारी करता है तो उसके कमरे के बाहर ये नहीं लिखा होता कि जेल है, लेकिन वो 8x10 के कमरे में 4-4 साल 5-5 साल गुजारता है, सफेद कोट की उम्मीद में उसके खुद के बाल सफेद हो जाते हैं, दाढ़ी सफेद हो जाती है, माँ बाप उसको देखना चाहते हैं डॉक्टर बनते हुए, माँ बाप की आंखों में मोतियाबिंद होकर आंखें सफेद हो जाती है, तब तक बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाता। तो ये बात ये नहीं है कि एनटी ने बात छुपाई, कि बात केंद्र ने छुपाई, बात यह है कि आप देश के सिस्टम पे लोगों का भरोसा उठा रहे हो, और जब भरोसा उठता है, जब बिलीफ कम होता है, तो युवाओं में एनर्जी कम होती है। हम बोलते हैं कि देश हमारा युवाओं का देश है, लेकिन जिसमें सिस्टम में बिलीफ कम हो गया ना, वो युवा बुढ़े बनते हुए देर नहीं लगाते। तो हमारा देश माना युवाओं का है, लेकिन आप सिस्टम में कमजोरियां करते, उनको खोखला कर रहे हो, उनको खत्म कर रहे हो। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हालांकि 8 जून को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि सरकार को देश के युवाओं में ट्रस्ट को रिस्टोर करने की जरूरत है। सबका साथ सबका विकास एक चीज है, लेकिन सबका साथ सबका विश्वास उससे कई गुना महत्वपूर्ण है। आप अजमेर में कोचिंग भी चलाते हैं, साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी आप लेते हैं, उसमें किस तरह का बच्चों का जो रिएक्शंस हैं वो आ रहे हैं? देखिए, बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अभी चंडीगढ़ हाईकोर्ट में हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमने एक PIL लगवाई, उनका ही कहना था कि सर मेरे बच्चे ने चौथा अटेम्प्ट था उसका ये, और उसके 647 मार्क्स है। अफसोस की बात है कि 647 पर भी कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज मिलेगा कम से कम 656 पर। तो बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हम देश को छोड़ के जा रहे हैं, हम बाहर से पढ़ाई कर लेंगे, हम किसी और कोर्स में चले जाएंगे, हमें नीट करना ही नहीं, हमें डॉक्टर बनना ही नहीं। तो आप सोचिए ना, कल को हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश में जिन्होंने ये सब घोटाले किए, इनको भी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी क्या? ये 2024 के बैच वाले बच्चों से ट्रीटमेंट करवा लेंगे, उन डॉक्टरों से ट्रीटमेंट, क्या ये उसके लिए श्योर हैं? तो जब कल को ये लोग एम्स में जाएंगे, कल को ये लोग किसी सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने जाएंगे, तो उनको यही लोग मिलेंगे जो भ्रष्टाचार से वहां तक पहुंचे हैं। और ये बड़ी अफसोस की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर 4 लेवल पर लीक हुआ है, ये 1563 बच्चों की बात नहीं है, पेपर फिजिकली लीक हुआ है, पेपर डिजिटली लीक हुआ है, OMR स्कैम हुआ है, और उसके बाद में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन का स्कैम हुआ है। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, बच्चे बहुत डिप्रेस हैं, और हमेशा अक्सर हमें कहा जाता है कि यार पेरेंट्स बच्चों को समझाएं, उनको स्ट्रेस फ्री रखो, कोचिंग वाले लोग उनको स्ट्रेस फ्री रखो, लेकिन सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रेस अभी तक किसी ने दिया नहीं है उन्हें। डॉक्टर अभिमन्यु कुमार, फाउंडर नीट का जी।